Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name. Hey guys, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोग इस टाइप की न्यू ट्रेंडिंग स्टेप वीडियो कैसे आप लोग बना सकते हो। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता आ रहा है। सो गाइस, इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आप लोग अपन पर काइन मास्टर एप्लीकेशन होना जरूरी है। और गाइस, आप लोग काइन मास्टर को डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग काइन मास्टर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आप लोग को काइन मास्टर को ओपन कर लेंगे। ओपन कर इसका आप लोग क्रिएट न्यू क्लिक कर लेंगे। क्रिएट न्यू क्लिक कर इसका आप लोग स्क्रॉल डाउन के नीचे चले लेंगे। गाइस यहां पे आप लोग को इनपुट पर क्लिक कर लेंगे। सो गाइस, सबसे पहले गाइस आप लोग करना क्या होगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक प्रोजेक्ट लिंक दिया गया है, उसको आप लोग को डाउनलोड कर लेने। वहाँ पे गाइस आप लोग को ऑल मटेरियल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से गाइस आप लोग को ऑल मटेरियल भी डाउनलोड कर लेने। डाउनलोड करने से आप लोग यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करके अपना डाउनलोड फाइल को सेलेक्ट कर लेने। उसका जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट लिंक डाउनलोड किया है उस पर आप लोग क्लिक कर लेनी है। जैसे गाइस आप लोग प्रोजेक्ट लिंक पर क्लिक कर लोगे तो आप लोग का काइन मास्टर में प्रोजेक्ट लिंक इस प्रकार से इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे गाइस आप लोगों को सबसे पहले टू फिंगरप्रिंट से आप लोग वीडियो को इस प्रकार से जूम कर लेने। उसके बाद आप लोग शुरू पे चलानी है। शुरू पे आने से आप लोग लेयर पर क्लिक कर लेने, आप लोग को मीडिया पर क्लिक कर लेने। यहाँ से गाइस अपना डाउनलोड फाइल पर चलानी है। यहाँ से गाइस आप लोग सबसे पहले एक वीडियो सॉन्ग को ऐड कर लेनी, ठीक है। इसको ऐड करने से आप लोग स्क्रॉल डाउन कर नीचे चलानी गाइस। यहाँ पे गाइस आप लोग स्ट्रोक ऑडियो कर लेनी है। उसके बाद जो भी बेकार वीडियो रहेगा उसको आप लोग डिलीट कर लेनी है। उसके बाद आप लोग करना क्या गाइस, यहाँ से आप लोग कुछ भी बीट वूट मिलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले से बीट मार्क मिला दिया, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले इमेज को ऐड करने के लिए गाइस आप लोग को फास्ट वाला इमेज पर क्लिक करना। उसके बाद आप लोग ऊपर जो मीडिया का ऑप्शन है वहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ से गाइस जो भी आप लोग इमेज को ऐड करना चाहते हो उस इमेज की यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया। फिर से आप लोग दो नंबर इमेज पर क्लिक करना है। फिर से आप लोग को मीडिया पर क्लिक कर लेनी है। फिर से गाइस यहाँ से आप लोग इमेज को ऐड कर लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। फिर से गाइस आप लोगों को तीन नंबर इमेज पर क्लिक करना है। फिर से आप लोग मीडिया पर क्लिक कर लेनी है। फिर से गाइस यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट इमेज को भी ऐड कर लेनी है। सो गाइस, यहाँ से गाइस आप लोग यहाँ तक जहाँ तक ब्लैक बैकग्राउंड है आप लोग यहाँ तक इमेज को ऐड कर लेना है फास्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग यहाँ तक छः इमेज लगने वाला है, तो यहाँ पर मैं गाइस फटाफट से छः इमेज को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को बता दूँ गाइस आप लोग को करना क्या होगा। ओके गाइस, यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे छः इमेज को ऐड कर लिया यहाँ तक, ठीक है। आप लोग को भी यहाँ तक कर लेने जहाँ तक ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद आप लोग करना क्या है, इसे फिर से आप लोग यहाँ से इमेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस फास्ट वाला ब्लैक बैकग्राउंड पे क्लिक करना होगा। ऊपर जो मीडिया का ऑप्शन हो रहा है वहाँ पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ से गाइस फिर से आप लोग इमेज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। जिस भी इमेज से आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस इमेज को यहाँ पे आप लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। और एक बार जो इमेज आप लोग यहाँ पर फास्ट पर जो ऐड करोगे जो ब्लैक बैकग्राउंड पर, ठीक है, वही इमेज को आप लोग इस ब्लैक बैकग्राउंड को भी ऐड करना है, ठीक है। सेम इमेज को आप लोग को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर से गाइस आप लोग वही इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेने, सेम इमेज को, ठीक है। मैं जिस प्रकार से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को दो जगह पे आप लोग को सेम इमेज को ऐड कर लेनी है। उसके बाद फिर से यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट इमेज को ऐड करना है, ठीक है। जिस भी इमेज को आप लोग ऐड करना चाहते हो उस इमेज को यहाँ पे आप लोग ऐड कर लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। फिर से आप लोग को दूसरा वाला ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। फिर से आप लोग मीडिया पर क्लिक कर लेंगे। फिर से यहाँ से आप लोग को एक इमेज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर से आप लोग को लास्ट वाला ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेंगे। फिर से आप लोग मीडिया पर क्लिक कर लेंगे। फिर से यहाँ से आप लोग एक इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। सो गाइस, इतना कर इसका आप लोग करना क्या, गाइस आप लोग शुरू पे चले आएंगे। शुरू पे आने से आप लोग इमेज पर क्लिक ग्राफिक्स ऐड करेंगे। गाइस सबसे पहले आप लोग इमेज पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से गाइस आप लोग को 11 पार्टी पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग को 6 नंबर को ऐड कर लेंगे। सो गाइस, अगर गाइस आप लोग का काइन मास्टर में 11 पार्टी नहीं है तो गाइस आप लोग बीट साइन ऐप से आप लोग काइन मास्टर में ऐड कर लेना। ऐड करने से आप लोग यहाँ पर 6 नंबर वाला को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर से आप लोग को दो नंबर इमेज पर क्लिक करना है। फिर से आप लोग क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक कर लेनी है। फिर से आप लोग 11 पार्टी पर क्लिक करके फिर से यहाँ से आप लोग को 6 नंबर को ऐड करना है। फिर से गाइस आप लोग को 3 नंबर इमेज पर क्लिक करना है। फिर से आप लोग क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक कर लेनी है। फिर से आप लोग को 11 पार्टी पर क्लिक करके फिर से यहाँ से 6 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से गाइस आप लोग को बता दे दूँ जहाँ तक ये ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को 6 नंबर वाला को ऐड करना है। तो ओके गाइस, मैं यहाँ पर यहाँ तक ऐड कर लेती हूँ जहाँ तक ये वाइट बैकग्राउंड है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को ऐड करना है, ठीक है, इसी इमेज तक, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग ऐड करके दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लोग को 6 नंबर वाला ऐड कर लेनी यहाँ तक, ठीक है।
और यहाँ से जितना भी रहेगा उसको प्रोसेस में आगे बताऊँगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे फटाफट सेट कर लेती हूँ, उसका तो मैं आप लोगों को बता दूँगा गाइस आप लोगों को करना क्या होगा। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक ग्राफ्स को ऐड कर लिया, मैंने जहाँ तक बताया था आप लोग को ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है यहाँ तक, ठीक है तो यहाँ तक मैंने ऐड कर लिया, आप लोगों को भी यहाँ तक कर लेनी है। उसके बाद आप लोग करना क्या है, लास्ट का जो तीन इमेज रहेगा गाइस, इस लास्ट का इमेज पर आप लोग कौन सा वाला क्लिक ग्राफ्स को ऐड करना होगा आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। उसका तो आप लोग इस वाला इमेज पर क्लिक कर लेंगे, उसका तो आप लोग क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक, यहाँ से गाइस फिर से आप लोग को हेलोवीन पार्टी पे चले आएंगे, यहाँ से आप लोग को 10 नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर से आप लोग को दूसरा वाला इमेज पर क्लिक करना होगा, फिर से आप लोग क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक कर लेंगे, फिर से आप लोग को हेलोवीन पार्टी पर क्लिक करके फिर से आप लोग यहाँ से 10 नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से गाइस आप लोग को लास्ट वाला इमेज पर भी आप लोग को हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस इतना करने से आप लोग करना क्या होगा, आप लोग शुरू पे चले आएंगे, शुरू पे आने के बाद आप लोग को लेयर पर क्लिक करेंगे, आप लोग को मीडिया पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से कैसे अपना डाउनलोड फाइल पर चलाएंगे, यहाँ से कैसे आप लोग सबसे पहले एक इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेंगे, इफेक्ट वीडियो को ऐड करने से आप लोग इस प्रकार से इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको लाने के नीचे चलानी है, आप लोग को ब्लेंडिंग पर क्लिक करके यहाँ से कैसे आप लोग स्क्रीन कर लेनी है। फिर से कैसे आप लोग को इस इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसका साउंड रहेगा, साउंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके साउंड को आप लोग म्यूट कर देनी है। उसके बाद आप लोग लास्ट पर चलानी, इफेक्ट वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा तो आप लोग इफेक्ट वीडियो पर क्लिक करनी है। उसके बाद आप लोग कैंची वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको दो नंबर से कट लगा लेनी है। सो गाइस इतना कर इसका बिल्कुल गाइस आपका वीडियो बनके तैयार हो जाएगी। मेरा वीडियो गाइस यहाँ पे कैसा बना है मैं आप लोगों को वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देती हूँ। सो गाइस उसके बाद आप लोग करना क्या है, ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन हो रहा है वहाँ पे आप लोग क्लिक करनी है और गाइस आप लोग को वीडियो को सेव कर लेनी है।